का विद्यार्थी हूँ मैं जय भगवान। मैं आपको आज इस वीडियो में 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी की किताब का पहला अध्याय के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपका जेबीज सोशल साइंस क्लास में आपका सभी का स्वागत है, और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि मेरी नई वीडियोस समय पर देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। जो आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को दूसरों के साथ लाइक करें तथा उसको दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो विद्यार्थियों, जैसे कि 10वीं कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद है ये केवल यूरोप में ही नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। तो ये राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को, इस राष्ट्रवाद की परिकल्पना को विकसित होने में सैकड़ों वर्ष लगे। और यदि हम देखी जाए तो देशभक्ति की भावना जो पैदा हुई, एक राष्ट्र की कल्पना हुई, तो उस राष्ट्रवाद की कल्पना और राष्ट्रवाद का निर्माण होने के कारण ही हम भारतीयों को आजादी मिली। तो हम 10वीं कक्षा में इतिहास में पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो हम इसको देखते हैं कि अगर आप मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें, तो विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो इस तरह से ये जो है 7 महाद्वीप हैं। तो हम भारतवासी एशिया महाद्वीप के रहने वाले हैं। 10वीं कक्षा का पहला जो अध्याय है वो है यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो उसके लिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें, तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, पहले तो 18वीं सदी का मतलब क्या है कि 1701 से लेकर 1800 तक के काल को 18वीं शताब्दी कहा जाता है। 1701 से लेकर 1800 तक के काल को 18वीं सदी कहा जाता है। तो 18वीं सदी का मतलब है 1750। 1750 में यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। आज का यदि हम यूरोप का राजनीतिक नक्शा देखते हैं तो वो राजनीतिक नक्शा 1750 के राजनीतिक नक्शे से भिन्न मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि 1750 में जो राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद था, राष्ट्र राज्य थे, वो आज की तरह राष्ट्र नहीं थे। जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। अर्थात आज देश बटे हुए, राजनीतिक जो नक्शा है वो देशों में बटा हुआ। लेकिन 1750 में जो यूरोप का नक्शा बटा होता वो उस टाइम में वहां पर जो राजवंश का राज था वो उस राजवंश के नाम पर ही उस राष्ट्र का नाम अंकित था। तो जिसके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र का मतलब स्वतंत्र क्षेत्र, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश का मतलब क्या होता है कि वह जिसमें राजा, एक राजा या किसी एक व्यक्ति का शासन चलता और किसी की नहीं चलती, यानी कि सारे कायदे कानून संविधान केवल एक व्यक्ति निर्धारित करता है, तो वो निरंकुश, निरंकुश होना जिसपे किसी का अंकुश ना हो, ऐसे राजतंत्रों के अधीन था। और उन इलाकों में तरह तरह के लोग बाग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों, जन समूहों को जोड़कर बना था। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो राज्य था उसमें अलग अलग जाति के लोग बाग थे, अलग अलग समूह के लोग बाग थे, तो वो विभिन्न जाति समूह के ऊपर आधारित थे, अलग अलग समूह के लोग बाग थे। तो इन जो अलग अलग समूह थे उनमें एल्पस के ट्रिडाल, ऑस्ट्रिया के
और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था। बोहेमिया देश, आज के देश में इन देशों के नाम बन गए हैं। तो जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। कुलीन वर्ग का मतलब क्या है कि वहां का जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग बोलते थे, जो रईस थे, राजा के परिवार से संबंधित लोग थे, सामंतवाद थे। तो इस कुलीन वर्ग को समझने के लिए मैं, मेरा सामंतवाद का अलग चैप वीडियो है, आप उसको देखें तो आपको इस सामंतवाद ये जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो इस सामंतवाद है, ये सामंतवाद उस टाइम केवल यूरोप में ही नहीं था, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सामंतवाद था। तो यूरोप में उन सामंतों को कुलीन बोला जाता था, राज्य के परिवार के जो लोग थे उनको कुलीन या अमीर बोला जाता था। तो भारत में उनको सामंत कहा जाता, सामंतवाद। तो इस तरह से जो है एल्पस, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ बहुमी अभी शामिल था। वहां पर कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे।